गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये अपनी सुंदरी है और अभी हम बिज़नेस के लिए निकल रहे हैं। देख रहे हो अभी पूरी साफ़ सुथरी है। और बताना चाहूँगा आज के ब्लॉग के माध्यम से, ये अपना डिवाइस हम अभी ऑन करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम निकल रहे हैं अपने राइट डे, सैटरडे। और सैटरडे को बिज़नेस थोड़ा स्लो डाउन रहता है, जैसे कि आपको पता है कि सैटरडे को पब्लिक जो है, फोर्थ सैटरडे, और फोर्थ सैटरडे होने की वजह से पब्लिक जो है लेट निकलेगी, 12-1 बजे के बाद बुकिंग बच सकती है। लेकिन आज का जो बिज़नेस है, ओला और उबर बजने के लिए रेडी नहीं है। और ऐसी परिस्थिति हुई कि दो ही टाइम बिज़नेस हो पा रहा है, सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में, दो टाइम पे ही ओला उबर बज रही है और बुकिंग आ रही है। लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, कि उन्होंने जो बैटरी मीटर के बारे में मेरे दोस्त ने कमेंट्स किया था, पहले उनके सवाल जो थे कमेंट्स में तो मैंने बताया, लेकिन उनको बताना चाहूँगा कि दोस्तों आपको अगर ये बैटरी मीटर लेना है तो ये फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको मिलने वाला है। क्या फ्लिपकार्ट के ऊपर आप बैटरी मीटर टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे बैटरी मीटर मिल जाएंगे और उसमें से आपको जो लगाना है वो अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। सभी बैटरी मीटर एक नंबर है। मैं साइड में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ और साइड में इसका फोटो भी देखो आ रहा है कि ये जो बैटरी मीटर है, ये बैटरी मीटर लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने शुरू में संडे के दिन हमने ये लगाया था और इसके ऊपर हमने पूरा टेस्टिंग करके इसका रिपोर्ट जो है वो निकाला है कि हम जो अपने गाड़ी में लाइट यूज़ करते हैं या फिर फोग लैंप के बल्ब, जो फोग लैंप है वो फोग लैंप में हम ज़्यादा वाट के बल्ब डालते हैं, मतलब जैसे 35-35 का तो बल्ब अपने इसमें है, लेकिन अपन एक्स्ट्रा कटआउट लगा के हमने 45 के बल्ब यहाँ लगाए और बैटरी जो है वो 14 की लगाई है, 40 पावर की। तो इसमें क्या रहता है ना कि अपने जो बल्ब है वो पावर कैसे खींच रहे हैं, बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं, अपना जो गाड़ी का चार्जर है वो काम कर रहा है कि नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन अपने बैटरी मीटर में अपने मिल जाता है। जैसे कि क्या होता है ना, अपने ऑटो ड्राइवर भाइयों का कहीं पे ऑटो ख़राब हो जाता है और वहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं है और स्टार्टर मारते हैं लेकिन आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन आपको बैटरी मीटर अगर आपकी गाड़ी में लगा होगा तो आपका बैटरी का फॉल्ट है कि नहीं, एटलीस्ट ये तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि अपनी बैटरी वीक जब होती है तब अपना बैटरी मीटर कैसे काम करता है वो भी मैं आगे वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। जैसे जैसे हम बैटरी अपनी वीक होती जाएगी वैसे वैसे हमारा चार्जर भी हमें बताएगा कि अपनी बैटरी कितने परसेंट पे आ रही है। जैसे कि अपन सुबह स्टार्ट करते हैं तो बैटरी अपनी 12-12.5 बताती है, और जैसे स्टार्टर लेते हैं तो कितनी पॉइंट कम होती है वो भी मैंने उसका पूरा वीडियो बना के आपको दे दिया हो। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में उसका भी लिंक पे दे रहा हूँ, अगर किसी दोस्तों को ये बैटरी मीटर मंगाना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाइए और बैटरी मीटर मंगा लीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज सैटरडे ब्लॉग के लिए। तो निकलते हैं अपने राइड पे, देखते हैं आज का बिजनेस कैसा है। हम तीन तरीके से गाड़ी चलाते हैं और फिलहाल अपने पास दो ही ऐप हैं, ओला उबर और अपना मीटर। तो रनिंग में जो भाड़ा मिलेगा वो भी करेंगे और जो अपने को ऑनलाइन मिलेगा वो भी भाड़ा करेंगे। एक भी भाड़ा छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपका बिजनेस नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि अभी सीएनजी अपना ऑरेंज है, लेकिन ऑरेंज पे हम लंबा भाड़ा नहीं ले सकते, इसीलिए हम अभी सीएनजी टॉपअप कर लेंगे। और यहाँ पे अपना बैटरी मीटर है जो अपने को बता रहा है 13.3 का अपना बैटरी फुल चार्ज है। तो ये जो बैटरी मीटर है इसकी बहुत अच्छी खासियत है, मैंने आपको इसके बारे में भी वीडियो दिया हूँ और वो वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हो कि बैटरी मीटर की क्या खासियत है। और इसका लिंक जो है मैं आज के वीडियो में देने वाला हूँ कि ये आप कहाँ से मंगा सकते हो, इसका जो फ्लिपकार्ट का लिंक है वो मैं आपको देने वाला हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो ये बुकिंग भी आ रही है छोटी मोटी, तो पहले सीएनजी टॉपअप करेंगे उसके बाद ही हम बुकिंग लेने वाले हैं। तो चलिए भाई सीएनजी भर लेते हैं। 9 बजे से बुकिंग नहीं आ रही है, हमने गाड़ी निकाले थे जब सीएनजी भरे, सीएनजी भरने के बाद अभी हम आए हैं यहाँ पे सेंट्रल पार्क के, यहाँ हम खड़े हैं कुलसेत रोड पे, लेकिन बुकिंग का माहौल एकदम ठंडा पड़ चुका है। आज सैटरडे है और सैटरडे को बिजनेस ऐसे ही रहता है। अपने जो ऑटो ड्राइवर भाई है जो सोचते हैं कि भाई हम इतना बुकिंग करेंगे, हम उतना बुकिंग करेंगे, लेकिन आज का जो माहौल है, लेटेस्ट माहौल, जैसे कि अपने ऑटो ड्राइवर भाई ने बोला था राजेश भाई बिजनेस का माहौल क्या है उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर होनी चाहिए, और उसी के चलते हम डेली ब्लॉग बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपने ऑटो ड्राइवर भाइयों को मोटिवेशन करने के लिए। 10:45 बजे यहाँ पे आए थे और अभी 10:45 हो रहा है, तो 10:45 बजे तक हमें कोई भी बुकिंग नहीं आई है। इस तरीके से माहौल पूरा बुकिंग का ठप हो चुका है और बुकिंग आने का नाम नहीं ले रही है। दोनों डिवाइस शुरू है, ओला में भी है और उबर में भी हमारा लॉगिन है। तो दोस्तों परिस्थिति कैसी भी हो, अपने को कैसे बिजनेस करना है, कितने देर अपने को पीच पे टिका रहना है, उसकी पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों ब्लॉग के साथ बने रहिए, आइए और थोड़ी देर वेट करते हैं यहाँ पे या फिर लोकेशन चेंज कर लेंगे। दोस्तों एक बोतल पानी पूरा खत्म हो गया लेकिन बुकिंग नहीं है और ये एवरेस्ट में खड़े हैं, एवरेस्ट में अभी लाइन में लगा है। देखो दूसरा नंबर है, यहाँ पे अपनी सुंदरी खड़ी है और ये बंदा भी खड़ा है यहाँ पे और ये भी बुकिंग के लिए खड़ा है। और ये एवरेस्ट अपना एवरेस्ट वर्ल्ड यहाँ पे सेंट्रल पार्क है, वो साइड में सेंट्रल पार्क बना है तो यहाँ पे खड़े, ये एवरेस्ट का माहौल है ऐसा। तो दोस्तों वो स्टैंड से हमने मानपाड़ा का एक छोटा सा बुकिंग कर लिया और यहाँ रनिंग में हमें एक बुकिंग आ गया है बुलुंड ईस्ट का, तो कस्टमर को पिकअप करने के लिए जा रहे हैं। चलिए 09-36 09-36। तो दोस्तों ये बुकिंग हमने एंड कर दी है यहाँ पे मुलुंड ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास, तो देखते हैं अभी यहाँ से हमें कहाँ की बुकिंग मिलती है, तो वेट करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों 12:01 बाकी है और हम आ गए रिटर्न मीटर का भाड़ा लेके विवियाना मॉल, जहाँ पे हमने बुकिंग छोड़ी थी वहाँ से ही हमें
मीटर पे भाड़ा मिल गया विवियाना मॉल, और विवियाना मॉल पे अभी ड्रॉप कर दिया है और 12 बजने आ गए हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे वेट करेंगे, जो मिलेगा वो बुकिंग लेंगे, और मीटर हुआ मीटर या फिर ऑनलाइन। लेकिन भाई वेट नहीं करेंगे ज़्यादा देर, क्योंकि बिजनेस करना है तो आपको मीटर मिलता है, मीटर ऑनलाइन के चक्कर में अपने को मीटर का भाड़ा छोड़ना नहीं है। तो जो मिलेगा वो बुकिंग हम करने वाले भाइयों, आइए ब्लॉग के साथ बने रहिए। तो दोस्तों विवियाना के पास खड़ा था, यहाँ पे एक नर्सरी है, यहाँ पे आके थोड़ा पानी पीने पिया और यहाँ पे एक बुकिंग आ गई है ओला की, कस्टमर को यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन अभी कस्टमर को पहले कॉल कर लेता, क्योंकि क्या होता है ना, लोकेशन कभी गलत भी हो सकता है, क्योंकि बुकिंग डालते समय थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो पहले कॉल कर लेते हैं कस्टमर को। मैं ये नर्सरी के पास हूँ, आप कहाँ पे हो? माजीवाड़ा में। राजेश आला का, अच्छा फाउंटेन है ना? ओके ओके, काय नाही, थोडस ट्रॅफिक आहे, चल बघ। तुला ऑनलाइन पेमेंट होतो काय? और हम है फाउंटेन पे, अभी आप देख सकते हो 12:33 हो रहे हैं और हम है अभी फाउंटेन होटल पे। देखते हैं यहाँ से अभी कहाँ की बुकिंग मिलती है, यहाँ वेट करेंगे। दोस्तों 1:30 बज गया है और हम अभी फाउंटेन में ड्रॉप किए और वहाँ पे 15-20 मिनट वेट किए, कुछ वहाँ पे बुकिंग नहीं आ रहा था, तो वहाँ से हम निकले और आ गए। अब हम पे खड़े हैं और देखते हैं यहाँ से अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो होगा वो बुकिंग करेंगे, तो वेट करेंगे यहाँ पे। हेलो, हाँ ये अंदर आ गए, उस ये कॉलेज कुछ है ना इसके VMHP, मेन, हाँ मेन रोड पे गेट है, वहाँ पे हो आप? ओके दोस्तों, ये बुकिंग है थाना स्टेशन की, कस्टमर के लोकेशन पे आ गए हैं। 5178 थाना स्टेशन है। दोस्तों 2:12 हो रहे हैं और हम पहुंचे अभी थाने स्टेशन और यहाँ पे हमने ड्रॉप किया, बहुत ट्रैफिक लगा है और यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी बुकिंग है वो करेंगे हम। तो अभी है हम थाना स्टेशन पे, तो वेट करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहीं से एक बुकिंग आ गई है अपने को और ये कस्टमर को पहले कॉल कर लेते, थाने स्टेशन पे ये है हम और थाने स्टेशन से ये बुकिंग आई है। अच्छा अच्छा, वो साइड में देखा, क्या है OTP? 4461। एक घंटे में पहुंचेगा ना भाई? कहाँ पे? शंग्रीला रिसोर्ट है ना? शंग्रीला रिसोर्ट। तो दोस्तों ये बुकिंग हमने ड्रॉप कर दिया है, कस्टमर को छोड़ दिया है यहाँ पे, अभी देखते हैं यहाँ से अपने को। तो ये इसे रिटर्न बुकिंग ठाने। तो सर क्या है OTP? 1873। ओके, फिर से थाना स्टेशन ही? हाँ। ओके ओके, भिवंडी का कोई ट्रेन नहीं है। तो ये स्ट्रिक्ट हो गई स्टॉप और ये बुकिंग अपना हो गया पूरा भाइयों। अभी हम आए थाने स्टेशन और ये दूसरा बुकिंग आ गया है। तो OTP संगा में की बुकिंग छोड़ दी हमने, सेंट्रल पार्क, नमो सेंट्रल पार्क छोड़ दी थाना स्टेशन से। अब यहाँ से चलो बाहर ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई है। ये नमो सेंट्रल पार्क है और यहाँ पे बहुत भीड़ लगी। तो दोस्तों आज शनिचर था और हमारा था फास्ट, तो हमने अभी ट्रिप क्लोज कर दिया है। 6:01 हुए हैं और यहाँ पे करते हैं अपना ट्रिप एंड। और अपना जो बिजनेस है आज एकदम ठीक ठाक हो गया है और अपने को जो ट्रिप भी मिली है वो ठीक ठाक मिली है। तो चलो भाइयों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।